बाबा, अरब का ये सुल्तान आपके पास फरियाद लेके आया है। जानता हूं बाबा, शैतानी रूह के कहर से हमारी सल्तनत को बचाइए, उसे खत्म कर दीजिए बाबा। वो शैतानी रूह कोई आम रूह नहीं है, बल्कि एक जिन है जिसे खत्म करना किसी के बस की बात नहीं, मगर उसे बस में करने की कोशिश जरूर कर सकता हूं। करामाती जिन, तू जहां कहीं भी है मेरे सामने आ, सामने आ। मैं चिराग का जिन, किसने मुझे आवाज दी, किसने अपनी मौत को पुकारा? ओ तू, तेरी शक्ति मेरा कुछ नहीं कर सकती। तुझे अपनी शक्ति पे इतना राज है तो यह देख। ये क्या? अगर तुझे अपनी शक्ति पे इतना नाज है तो मेरे चिराग में आकर थमा। इसमें ले। अब यह जिन मेरे चिराग में कैद हो चुका है। मुझे यहां से निकालो, मुझे यहां से निकालो, निकालो। अब तुम इस चिराग से बाहर कभी नहीं आ सकते, कयामत के वक्त भी नहीं। सुल्तान, ये लो, मगर ख्याल रहे कि इस चिराग पर खून का एक कतरा भी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ये जिन चिराग से बाहर आ जाएगा। आप बेफिक्र हो जाइए बाबा, हम इस चिराग को ऐसी जगह रखेंगे जहां कोई आदमी इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए। अल्लाह, गाइस मेरे साथ आने के लिए, वरना अकेले तो मैं आज बोर हो जाती। अमीशा, अगर हर आर्टिकल की तैयारी से पहले तुम ऐसे ही बोर होती रही ना, तो फिर तो तुम जर्नलिस्ट बन चुकी। क्या मतलब है तुम्हारा? एक्चुअली क्या है ना कि दीदी को एंटीक्स के बारे में ना कोई इंटरेस्ट है और ना कोई समझ। शी नीड्स माय गाइडेंस, यू सी। हां लो। क्यों अजीत? इसीलिए तो मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखता हूँ, माई लव। और वैसे भी तुम दोनों जैसे एंटीक पीस तो हो ही नहीं सकते। वैसे एक बात बता यार, म्यूजियम बड़ा सुना सुना सा लग रहा है यार। आजकल एंटीक के शौकीन लोग रहे कितने गए हैं। हाँ, वो भी है। या फिर उन्हें लग रहा है कि मिस्टर राजीव आ जाने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो यार जल्दी करो। It's very good. यहाँ की चीजें काफी कीमती होगी ना? अभी वो मनी माइंडेड, कभी तो चीजों को उनकी आर्टिस्टिक वैल्यू से नापा कर। छोड़ना।
तुम लोग यहीं पर रुको, मैं जरा क्यूरेटर को ढूंढ कर आती हूँ। ठीक है, वाह आगे देखते हैं। हाँ चल। वाह लुक एट दिस। नताशा तुम जानती हो मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ क्यों लाया हूँ? तुम्हें गुड न्यूज देनी है। तुम्हारी गुड न्यूज क्या होगी मुझे पता है, मेरे लिए तो वो बैड न्यूज ही है ना। तुम्हें यूएसए जाने का वीजा मिल गया राइट? प्रोफेशनल टेनिस का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता, और नताशा एक साल तो बस यूं ही गुजर जाएगा। तो मैं तुम्हें कहां रोक रही हूं, तुम्हें जाना चाहिए, एक साल मैं अकेली रह लूंगी। रियली थैंक्स अ लॉट। मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं, चलो। लेकिन कुछ भी, एक यादगार के लिए, प्लीज ना मत कहना। वाओ ये देखो, पसंद आया? ए तुम लोग अपना रोमांस कहीं तो छोड़ा करो। क्या यार आ जाते हो हर जगह अड्डी बनने। क्या हुआ? वाओ क्या देख रहे हो? नताशा अपना गिफ्ट पसंद कर रही है। मैंने कर भी लिया, मुझे ये चाहिए। ये ये क्या चीज है? अरे इस भंगार से क्या करोगे तुम? मुझे लगता है नताशा सोच रही है इसमें कोई जिंदन होगा। मुझे तो यही चाहिए। वैसे ये है क्या? रोहित तुमने बचपन में नानी से कहानी नहीं सुनी थी क्या, जिन वाली चिराग के जिन वाली? लो अभी जाकर नानी से पूछता हूँ वो कहानी क्यों नहीं सुनाई। क्या मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ? आप? इकबाल मसूद। ओ मैं अमीशा। ये एग्जीबिशन आप ही ने लगवाई है ना? हाँ। मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती थी। जरूर शौक से। क्या हम वो चिराग खरीद सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल खरीद सकते हैं। माना जाता है कि ये बहुत पुराना चिराग है। सही उम्र तो मुझे भी मालूम नहीं। अच्छा कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, आइए पूरा करते हैं। हाँ जी। मम्मी मैं एक दिन पायलट जरूर बनूंगा। हाय मामा। और माँ आप भी चलना मेरे साथ। हाँ हाँ जरूर आऊंगी। हाय बेटा, म्यूजियम से क्या लेके आई आज तुम? अलादीन का चिराग ले आई हूँ। लाइए मैं खाती हूँ। अजीत यूएस कब जा रहा है? शायद नेक्स्ट वीक। दीदी मेरे लिए वीडियो लेके आएंगे ना? अगर तुम अभी सो जाओगे ना तो ही लाएगा। हाँ हाँ सुबह जल्दी स्कूल में भी जाना है। चल चलो दीदी हो जाए। मैं चिराग का चिन्ह आजाद।
कौन है? कौन है? कोई है? तुमने मुझे 3,000 साल की कैद से आजाद किया है। मैं मांगो, क्या है तुम्हारी मुराद? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? दूंगा, यकीन मानो मैं जरूर दूंगा। मैं चाहती हूं कि अजीत मुझे छोड़कर यूएसए नहीं जाए, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाए। ठीक है, मैं तुम्हारी मुराद पूरी करता हूं। बेटे को मिस्टर खन्ना, हमने उसे तो बचा ली लेकिन उसके पैरों को नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए, उसे तो अमेरिका जाना था। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अब कहीं भी नहीं जा सकता। आई एम सॉरी। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। क्या है तुम्हारे? मैं चाहती हूँ कि अजीत मुझे छोड़कर यूएसए नहीं जाए। मैं तुम्हारी मुराद पूरी करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। रुक क्यों गई? कहाँ है तुम्हारा जिन? मैं नहीं जानती वो कैसे निकला था, मगर वो यहीं से निकला था। Stop it. नहीं दीदी, वो यहीं से निकला था। निकलो जिम, निकलो। बस करो यार, अरे बहुत हो गया मजाक, बस करो अंदर से बस। देखो कोई जिन्न जैसी चीज नहीं होती, ये तो सिर्फ उन जैसे लोगों के दिमाग की उपज है जो खुद तो खुश नहीं रहते और हमेशा होप करते रहते कि कोई कोई चमत्कार हो जाए। रोहित, अरे यार मैं बोल रहा हूँ ना, अगर कोई जिन होता तो मैं खुद सबसे पहले गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ मांग लेता, लेकिन ऐसी कोई चीज होती नहीं नताशा।
नताशा का ख्याल रखना, बहुत घबराई हुई थी। अच्छा मैं चलता हूँ, तू चलेगा रोहित? नहीं यार, घर तो पास में ही है, मैं चला जाऊंगा। चल ठीक है, गुड नाइट। सी यू यार। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे अमीषा काफी लेट हो गया, मैं भी निकलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। सी यू। क्या अब भी तुझे जिन के वजूद पर शक है? नहीं नहीं, मैं तो बस मां को क्या मुराद है तेरी, क्या चाहिए तुझे? ये जिन तुझे सब कुछ दे सकता है। कुछ भी मांगू। ऐश और आराम, धन दौलत, कुछ भी। मुझे रुपया चाहिए, 10 लाख, 10 लाख बस, और कुछ नहीं। जा, दिया, तेरी मांग पूरी हो जाएगी। ओफो, क्या हो गया? ऐसे आज ही खराब होना था क्या? अरे बाप रे, अरे आता हूँ। क्या है बाबा, क्यों शोर मचा रखा है इतना? देखिए ना, टीवी को आज क्या हो गया है पता नहीं, कोई गड़बड़ है लगता है। आप ऊपर जाके देखो ना, एंटीना में कोई प्रॉब्लम होगी। एक दिन टीवी नहीं देखेंगे तो नहीं चलेगा क्या? आप ऊपर जाते हो कि नहीं? प्लीज आप ऊपर जाइए ना, मेरा फेवरेट प्रोग्राम चला जाएगा। क्या बोलना, अब जाना ही पड़ेगा बाबा।
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।